नमस्कार साथियों, आपका हमारे राधाकृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आज आप आपको बहुत ही अहम जानकारी देने वाला हूँ। जानकारी है साथियों पेन जी की। देखो साथियों, आप नर्सरी से कोई भी प्लांट लेके आते हो तो उसे लगाते वक्त कौन सी सावधानी हमें देखनी चाहिए। अब देखो, नर्सरी में ये कितने अच्छे फूल आए हुए हैं और हमारे यहाँ आके वो फूल खराब क्यों हो जाते हैं, उसका मैं रीजन और कारण आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बताऊंगा। तो साथियों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखो साथियों, ये हमारा 6 इंची का पॉट है, इसके अंदर हम आज पेंजल लगाएंगे। तो आप देख सकते हो, हमने ये मिट्टी बनाई हुई है। मिट्टी का आपको हमने आपको बताया है कि 60-40 का रेशियो में हमेशा, जब भी बड़ा प्लांट लगाता हूं तो 60-40 का रेशियो में हमेशा मिट्टी का लेता हूं। और इसको हम इस प्रकार से भर लेंगे धीरे धीरे, बस इतना। उसके बाद आप देख सकते हो, नर्सरी वाले इसे बिल्कुल चिकनी मिट्टी में लगाते हैं। ये देखो, ताकि इसे ज्यादा पानी देने की आवश्यकता ना हो। लेकिन आपको क्या करना है, किसकी आधी मिट्टी को आपको निकाल देना है। निकालने का तरीका देख लो कि ज्यादा जड़े डिस्टर्ब ना हो और आराम आराम से इसकी आधी मिट्टी आप निकाल दीजिएगा। ये देखो, इस प्रकार की जो ये चिकनी मिट्टी है इसको आपने निकाल देना है। जड़ों को हमें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे बिल्कुल भी, बस इसी प्रकार से आपको ये मिट्टी निकाल देनी है और आराम से इसको यहीं पे से लगा देना है। देखो, बस केवल इतना काम करना आपको, देख रहे हो, सिर्फ इतना आपको ये काम करना है। और इसमें ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, इसको बिल्कुल दबाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस इस प्रकार से इसको आपको लगा देना है। ऐसे ही हम अपने और पौधे भी लगा लेंगे। प्रोसीजर हमारा सेम वही रहेगा। ये देखो, तो वही सेम प्रोसीजर होगा, एक्स्ट्रा मिट्टी को हम निकाल देंगे जड़ों को डिस्टर्ब किए बगैर। देख रहे हो, हम जड़ों को बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये देखो, सेम इसी प्रकार से ही हम इसको ऐसे लगा देंगे। तो आपको तरीका अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा साथियों। तो इस प्रकार अगर हम ये सारे पौधे लगा लेते हैं, तब तक वीडियो को पॉज कर लेते हैं। तो साथियों, आप देख सकते हो, हमने अपनी ये सारी पेंजी लगा चुके हैं। और अब आपको एक मेन चीज दिखाते हैं। देखो, जिस प्रकार हमने ये जो रस्सी लगाई हुई है, अब इन्हें आप कहीं भी इस प्रकार से आप इसको टांग सकते हो। ये देखो, देख रहे हो,
सुंदरता लगती है। इस प्रकार आप अपने गार्डन को आप डेकोरेट भी कर सकते हो। तो ऐसे छोटे छोटे आइडियाज लगा लगा के आप ये सारे काम कर सकते हो, गार्डन सुंदर का सुंदर लगेगा और ये पौधे आपके काफी समय तक आपको फूल देते रहेंगे। तो साथियों, आपको आज आपने देखा कि नर्सरी से जो लाए हुए पौधों को किस प्रकार से हम लगाते हैं, ये आपने आज सीखा। तो साथियों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो साथी चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की ढेरों इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। तो इसी के साथ साथियों, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।